हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरबीआई असिस्टेंट का जो की जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकती है, कभी भी दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी में कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको उसका एग्जाम देखने के लिए मिल सकता है। उसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, और मैं उसी चीज़ के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपके लिए कंप्यूटर का एनालिसिस लेकर आया हूँ लास्ट 2 ईयर्स का। ओके, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन आए थे, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये सभी कुछ इस वीडियो में रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, ज्यादा बड़ी ये वीडियो नहीं होने वाली है। ओके, सिर्फ मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा इसके बारे में और हमारे साथ आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये सब आपके साथ इस वीडियो में शेयर होने वाला है। ओके, तो लेट्स सी। ये आपके सामने जो है ये है आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पैटर्न। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्या उनकी वेटेज रहती है। ओके, ये आपके सामने है। पहले आता है आपका इसमें क्या होता है, एक रीजनिंग। ओके, एक है आपके इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एक है जनरल अवेयरनेस और एक है कंप्यूटर नॉलेज। टोटल 5 आपके पास सब्जेक्ट्स आते हैं यहाँ पर। सबकी वेटेज सेम रहती है, 40 मार्क्स ईच। ओके, 40 मार्क्स ईच सबकी वेटेज है। फाइन, मार्क्स जो है सबका, मार्क्स भी सबके सेम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी सबके सेम है यहाँ पर। फाइन, कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बात हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 मार्क्स के होंगे और टाइम मिलेगा सिर्फ 20 मिनट। बहुत अच्छा टाइम है, बहुत सफिशियंट टाइम है आपके लिए 40 क्वेश्चन को टिक करने के लिए, को ठीक करने के लिए। और पेपर बहुत नॉर्मल आता है, आप आराम से इस पेपर को कंप्यूटर के बेस के हिसाब से आप इसको आराम से इसको निकाल सकते हैं सिर्फ कंप्यूटर के लिए, अगर हम यहाँ पर बात करें। ठीक है, आउट ऑफ 20 मिनट्स आपके लिए बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ था लास्ट ईयर। इस बार मैंने आपके सामने, चाहे वो 2021 हो, ठीक है, 21-22 का एग्जाम है आपके पास, अब ये सारे वेटेज है और यहाँ पर है 19-20 का वेटेज। ओके, और इस तरह मैंने आपके लिए यहाँ पर टॉपिक जो है वो लिखे हुए हैं। बात करें हिस्ट्री और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, ठीक है, तो इसमें वेटेज हमारे पास जो क्वेश्चन थे 3 से 4 हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे इस बार, और वही हमारे पास 4 से 5 हमें लास्ट ईयर देखने को मिले थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन जैसे कि किस टाइप की जनरेशन में किस तरह का एलिमेंट यूज होता है, ये एलिमेंट किस जनरेशन में यूज हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आए थे इस बार। शॉर्टकट कीज की जो वेटेज इस बार काफी ज्यादा रही है। इस बार हमें चाहे वो टैब को हमें स्विच करना हो उसकी हमसे शॉर्टकट कीज पूछी गई हो। ओके, कितनी फंक्शन कीज होती है हमारे पास, चाहे उसके बारे में कोई सवाल पूछा गया हो, तो 6 से 7 इस बार हमारे पास जो थी वो शॉर्टकट कीज थी। मतलब कि शॉर्टकट कीज की जो वैल्यू है इस बार काफी बढ़ गई है। लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट सेम था, 5 से 6 था, बट इस बार थोड़ी सी वैल्यू उसकी जो है वो बढ़ गई है। ओके, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। नेटवर्किंग के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टॉपोलॉजी, आपके उसमें बसेस होती है, उसमें राउटर्स होती हैं, इन सबको कैसे कनेक्ट करते हैं, इनसे क्वेश्चन आया था। ओके, मतलब इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार भी आया था टॉपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, सिक्योरिटी में बेसिकली आपके आपके फायरवॉल्स हो गए, आपके मालवेयर्स हो गए, चाहे आपके वायरस हो गए, ठीक है, इनसे भी ये क्वेश्चन था हमारे पास कि किस तरह का वायरस जो है वो अपने आपको रेप्लिकेट करता है। ओके, मैलवेयर, ये मैलवेयर है या नहीं है, ये वायरस है या नहीं है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमें इस बार देखने को मिला था। तो 6-7 क्वेश्चन हमें जो है वो इन दोनों टॉपिक से, नेटवर्किंग और जो सिक्योरिटी है, इनसे मिलाकर हमें देखने को मिले हैं। और लास्ट ईयर भी 5-6 क्वेश्चन जो थे हमारे पास वो थे। आगे चलते हैं, एमएस ऑफिस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेल का पार्ट इस बार हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है। इस बार एक्सेल में से काफी क्वेश्चंस जो है हमें देखने को मिले हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आए इस बार टोटल एमएस ऑफिस से, चाहे वो वर्ड हो चाहे वो एमएस एक्सेल हो। और पिछली बार भी 6 से 7 हमें क्वेश्चन इस बार इसमें हमें देखने के लिए मिले थे। मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो 3-4, ये किस टाइप की मेमोरी होती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, डीरैम किस टाइप की मेमोरी है, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। और पिछली बार भी 2-3 हमें क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, एक है ईमेल एंड इंटरनेट। ईमेल के अंदर, ठीक है, एक्सटेंशन फाइल्स जो होती हैं, ठीक है, किस तरह की HTTP या फिर HTML, इनका क्या यूज होता है, इस तरह से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ईमेल के बारे में क्वेश्चन हो गया बेसिकली। ठीक, इंटरनेट के बारे में, ब्राउजर के बारे में क्वेश्चन था, माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर होता है उसके बारे में क्वेश्चन था। ठीक है, 5 से 6 में देखने को मिले थे और 5 से 6 हमें पिछली बार देखने को मिले थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में प्रिंटर से एक क्वेश्चन था कि प्रिंटर्स
ये किस टाइप का प्रिंटर है, ओके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे 2 से 3 हमें, ओके डीबीएमएस थे मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी के बारे में, डेटाबेस के बारे में, मेमोरी को मैनेज करने के बारे में, यहाँ से लेडीज में क्वेश्चन आते हैं डीबीएमएस में, तो 2 से 3 हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। एब्रीवेशन फुल फॉर्म, ठीक है, ये भी हमें इस बार देखने को मिली थी, ओके वही 1 से 2 और लास्ट ईयर भी यहाँ पर 1 से 2 और ओएस से भी हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन थे। बेसिकली इसमें हमारे पास 4-5 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो आपके एग्जाम का ऑलमोस्ट 50-60% जो है वो एरिया वो है वो कवर कर जाते हैं, जिसमें कि आपका हिस्ट्री एंड नेशन हो गया, शॉर्टकट कीज हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गया, एमएस ऑफिस हो गया और ईमेल इंटरनेट हो गया। वो टॉपिक मैंने आपके लिए ऊपर अलग से रखे हुए हैं ताकि आपको देखने में उनको आसानी हो, ठीक है। एग्जाम पास आ रहा है तो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, मैंने वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, आज लास्ट डेट है हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एग्जाम में, क्योंकि कल से हमारा आरबीआई असिस्टेंट का कोर्स जो है वो ऑनलाइन कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इनिशियल 100 जो हमारे एनरोलमेंट्स होंगे हम उनको 90% फ्लैट 90% तक हम उनको डिस्काउंट देने वाले हैं। आपके पास आज रात तक का टाइम है, हमारे साथ जुड़िए और आई गारंटी यू कि आपका एग्जाम क्रैक जरूर होगा, ओके। और ये फीचर्स क्या है हमारे पास इस कोर्स के, हमारे पास जो क्लासेस तो रहने वाली है वो डेली 8 to 9:30 जो है वो क्लासेस हमारी रहने वाली है। हमने क्लासेस थोड़ा सा सोच कर रखी है, जो वर्किंग ऑफिशियल्स हैं जो जॉब भी कर रहे हैं और जिनको एग्जाम भी निकालना है ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो, डेली यहाँ पे इसमें लाइव क्लासेस होने वाली है हमारे पास, ओके 8 से 9:30 फाइन। और कल से December 1st से हमारा जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9205524028, ये हमारा नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है www.iexamb.com, आप यहाँ पर जाइए विजिट कीजिए, हमारे कोर्सेज को देखिए और बेसिकली आज तो लास्ट डेट है इस कोर्स के लिए, तो जाकर आप अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कराइए, ओके। तब तक के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और थैंक यू, बाय।